नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 7 जून 2022 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 7 आर्टिकल्स है भैया, 7 के 7 आर्टिकल्स डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेक्स वर्कर्स के राइट को लेके आरके विज साहब का, जो कि एक आईपीएस अधिकारी है, इनका आर्टिकल है, इसको देखेंगे। उसके साथ साथ डिजिटल कोलैबोरेशन, ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, मिलिंद कुमार शर्मा साहब का। यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशंस की बात हो रही है और बेसिकली ऑनलाइन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के फील्ड में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पा रही हैं, यूजीसी के गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, इससे क्या क्या नुकसान है, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत की गई, इसको देखेंगे। कर्नाटका में टेक्स्ट बुक रिज्यूम से लेके जो पॉलिटिक्स चल रही है इसके बारे में बात करेंगे। बीजेपी ने जो रिस्पॉन्स दिया है ओवरऑल, जो गल्फ कंट्रीज़ गुस्सा हुई हैं इंडिया से प्रॉफिट मोहम्मद साहब के रिमार्क को लेके, इसके बारे में एक आर्टिकल, इसको देखेंगे। और रिसेंटली रफल नदाल की भैया माइंड ब्लिस्टरिंग परफॉर्मेंस, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, आपका फ्रेंच ओपन जीत गया, फ्रेंच ओपन में भी भैया एक लाइफ स्टाइल, एक उनकी साइज से बड़ी इमेज लगाई गई है रोलैंड गोरेस में, गैरोस में, पेरिस में जो ये होता है आपका फ्रेंच ओपन। तो इस कंटेक्स्ट में ये 5 आर्टिकल्स हम मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। हो सके दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लेक्चर्स को शेयर करिए, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। ज्वाइन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर सेक्स वर्कर्स राइट्स, द वेरियस एम्बिग्युटीज एंड इनकंसिस्टेंसीज इन द लॉज एप्लीकेबल टू सेक्स वर्कर्स नीड टू बी रिमूव्ड। रिसेंटली बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल एंड अदर्स, ये जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपसे बात की थी, 2-3 दिन तक इसके बारे में बातचीत हुई थी। और यहाँ पे बताया था कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई सेक्स वर्कर्स और उनके जो बच्चे हैं उनको ह्यूमन डिसेंसी से रहने की राइट है, उनकी डिग्निटी आप नहीं छीन सकते, पुलिस वाले उनको बिना वजह परेशान नहीं कर सकते, ओवरऑल इस प्रोफेशन से रिलेटेड जो परेशानी इन लोगों को झेलनी पड़ेगी वो नहीं होनी चाहिए। और ये जो कुछ भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जुलाई 2011 में अपॉइंटेड पैनल के रिकमेंडेशन के हिसाब से बोला है। उस समय पे प्रदीप घोष साहब ने इस पर्टिकुलर पैनल को हेड किया था और इस पैनल ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, लगभग 10 रिकमेंडेशंस दी थी, और इन 10 रिकमेंडेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सरकार को कि आप मानिए। और इन रिकमेंडेशंस में यही बोला गया था कि जो सेक्स वर्कर्स हैं दे हैव अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, आप इनकी डिग्निटी नहीं छीन सकते, अगर आप छीनोगे तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये एक वॉयलेशन होगा। अब जो 10 रिकमेंडेशंस इस पैनल ने दिए थे, इस 10 रिकमेंडेशंस में 6 रिकमेंडेशन मानने को तैयार हो गई थी सरकार, 4 रिकमेंडेशन मानने को तैयार नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, ये जो 10 रिकमेंडेशंस है इसमें जो 6 रिकमेंडेशंस तुम मानने को तैयार है उनको इम्प्लीमेंट करो, साथ साथ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956 के प्रोविजंस को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करो। अब ये 6 रिकमेंडेशंस कौन थे जिसको सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल ने भी बोला और सरकार भी मानने को तैयार हो गई? तो पहला था कि इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस मिलना चाहिए सेक्स वर्कर्स को, जिनके ऊपर भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उनको मेडिकल असिस्टेंस मिलना चाहिए, इस बात को सरकार भी मानने को तैयार थी, सुप्रीम कोर्ट भी तैयार थी। और इस बारे में मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक प्रोविज़न है जिसके चलते अगर सेक्स वर्कर्स के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो यहाँ पे सेक्स वर्कर्स को हेल्थ अटेंशन मिलना चाहिए, ये CRPC में भी लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल ने भी बोला और सरकार ने भी माना। फिर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जो प्रोटेक्टिव होम्स है वहाँ पे जिन एडल्ट सेक्स वर्कर्स को रखा गया है अगर वो वहाँ नहीं रहना चाहती तो उनको वहाँ से जाने दिया जाए। वैसे मैं आपको बता दूँ कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंदर किसी भी लेडी को तब भेजा जाता है जब कोई मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर इशू करे। तो मान लीजिए किसी ब्रॉदल पर रेड पड़ी, वहाँ पर कुछ सेक्स वर्कर्स पकड़ी गई, अब उन सेक्स वर्कर्स को रिहैबिलिटेट करना है तो कैसे रिहैबिलिटेट करोगे? तो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जो कोर्ट बनी हुई है वो यहाँ पे जजमेंट देंगे कि ठीक है भैया फला फला लेडी को जो यहाँ पे पकड़ी गई आप इस पर्टिकुलर रिहैबिलिटेशन होम में भेज सकते हैं। बट ये जो रिहैबिलिटेशन होम है जिनको आप ITPA प्रोटेक्टिव होम्स बोलते हैं, वहाँ पे भी ऐसा सुनने में आता है कि इन लेडीज़ को परेशान किया जाता है, कुछ जगहों पे इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, हर जगह नहीं, कुछ जगहों से कभी कभी न्यूज़ निकल के आती है, इसलिए बहुत सारी सेक्स वर्कर्स वहाँ पर रहना नहीं चाहती हैं। तो अगर वो छोड़ के जाना चाहती हैं प्रोटेक्टिव होम्स को तो उनको जाने ना दिया जाए, ज़बरदस्ती उनको ना रोका जाए, उनको आप जाने दो अगर वो जाना चाहती हैं। फिर टू सेंसिटाइज द पुलिस एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अबाउट द राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स टू लिव विद डिग्निटी,
आप पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बताओ कि भाई ये लोग कोई ऐसे आलतू फालतू नहीं है, इनका भी राइट है डिग्निटी से रहने का, आप इनको खुलेआम परेशान नहीं कर सकते। ये पुलिस को वालों को बताओ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बताओ, बहुत सारी राज्य की सरकार केंद्र सरकार ने बताया भी है। फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ये बोला जाए कि PCI गाइडलाइंस इशू करें मीडिया को कि भाई जब भी सेक्स वर्कर्स से रिलेटेड किसी न्यूज़ की रिपोर्टिंग होगी तो वहाँ पे सेक्स वर्कर्स की आइडेंटिटी को रिलीज़ ना करना, जब भी कोई अरेस्ट रेड या रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ पे सेक्स वर्कर्स की फ़ोटो वगैरह ना दिखाना, उनका नाम ना रिलीज़ करना, ये सब भी। मतलब मीडिया को किस प्रकार से एक्ट करना है जब भी सेक्स वर्कर्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस यहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इशू करनी चाहिए। फिर भाई क्या होता है ना कि जब सेक्स वर्कर्स ऑब्वियसली बात है सेक्स के काम में इन्वॉल्व है, तो उस केस में जो प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं जैसे कि कॉन्डोम, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब अक्सर कर क्या होता है कि जब भी कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या पुलिस वाले पहुंचते हैं, रेड मारते हैं, अगर कॉन्डोम मिल गया तो कॉन्डोम को एज एन एविडेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इन सेक्स वर्कर्स के अगेंस्ट, जो कि प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में इलीगल है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आप इस प्रकार की चीज़ों को, प्रोटेक्टिव गियर्स को एज एन एविडेंस मत इस्तेमाल करिए इन सेक्स वर्कर्स के अगेंस्ट। उसके साथ साथ जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं केंद्र की, राज्य की सरकारों की, वो समय समय पे सेक्स वर्कर्स के साथ साथ बातचीत करें और उनको बताएं उनके राइट्स के बारे में, ताकि सेक्स वर्कर्स को अगर कभी आगे आने वाले समय में किसी पुलिस वाले या लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल के साथ डील करना पड़े तो इन सेक्स वर्कर्स को भी अपने राइट पता होने चाहिए, प्रताड़ना ना झेलने लगे। तो ये 6 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर ये बोला गया कि नहीं भाई ठीक है, आप ये 6 पॉइंट्स इन सेक्स वर्कर्स के रिस्पेक्ट में रिलीज़ करिए, इम्प्लीमेंट करिए। केंद्र की सरकार अब तक तो देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। केंद्र की सरकार के रिजर्वेशंस कौन 4 पॉइंट्स के ऊपर थे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखिए, जब भी मान लीजिए कहीं रेड पड़ी, ठीक है ना, तो सेक्स वर्कर के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन नहीं लेगा एक पुलिस वाला, ऐसा कुछ बोला था सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल ने, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। सरकार का बोलना है कि देखिए, ये जो प्रोस्टिट्यूशन नाम का शब्द है ना, और ये जो सेक्स वर्कर नाम का शब्द है, ये जो अब्यूज़ नाम का शब्द है, समझिएगा, 3 शब्द, एक प्रोस्टिट्यूशन, एक सेक्स वर्कर और एक अब्यूज़, ये टर्म्स अपने आप में प्रॉपरली कहीं डिफाइंड नहीं है। अब प्रोस्टिट्यूशन की बात की जाए तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एक ऐसा सेक्स लेडी, एक ऐसी सेक्स वर्कर जो भाई अपने मर्जी के हिसाब से अपना शरीर बेच रही है। तो बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो अपनी मर्जी के हिसाब से अपना शरीर बेच रही है। प्रोस्टिट्यूशन में वो लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो किसी लेडी को फोर्स करते हैं अपना शरीर बेचने में, एक फोर्स वाला एलिमेंट भी यहाँ पे आता है, मैटर करता है। एक लड़की अपने मन के हिसाब से कर रही है, ठीक है, बट हो सकता है उस लड़की को बैक एंड से फोर्स किया गया हो सकता है, उसको ज़बरदस्ती यहाँ पे पकड़ के लेके आया हो इस काम को करवाने के लिए, हो सकता है ऑर्गेनाइज तरीके से कोई रैकेट चल रहा हो। तो अगर इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पर ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर दिया गया तो रैकेट चलता रहेगा, ज़बरदस्ती के बेसिस पर लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला जाएगा और पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी। तो इसलिए सरकार यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर तैयार नहीं है कि हाँ भाई अगर आपने किसी सेक्स वर्कर को पकड़ा तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ना ले सको, क्योंकि एक्शन आप केवल सेक्स वर्कर के ऊपर नहीं लोगे, उनसे जो एसोसिएटेड उनके जो दलाल हैं उनके ऊपर भी लोगे, जो लोग यहाँ पे आके कस्टमर्स की तरह सर्विस ले रहे हैं उनके ऊपर भी लोगे। तो एक्शन लेने की ताकत पुलिस के पास रहनी चाहिए। एक तो सरकार ने ये बात बोली। फिर यहाँ पे जो अब्यूज़ नाम का शब्द है, इसका एक काफ़ी वाइड मीनिंग है। अब्यूज़ में क्या क्या आएगा? देखिए, अब्यूज़ में क्या होता है ना कि इनिशियली आप पहुँचे, सामने वो लेडी खड़ी है, पुलिस ने खड़ा के, पुलिस ने बोला तुम अपनी मर्जी से कह रही हो, हाँ उसने बोला मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तो आप सुप्रीम कोर्ट पैनल के हिसाब से उसके खिलाफ कुछ करना नहीं है। लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके पता करना पड़ेगा कि क्या बैक एंड से कहीं उस सेक्स वर्कर को फोर्स तो नहीं किया जा रहा है, सच में उसका अब्यूज़ तो नहीं हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, और ये बिना इन्वेस्टिगेशन के पुलिस नहीं जान सकती। तो इसीलिए भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो पैनल अपॉइंटेड गाइडलाइंस थी उसको ब्लैंक तरीके से सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़ ऑफ पर्संस, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो एक प्रॉपर नियम कानून के हिसाब से इन शब्दों का डिटेल्ड मतलब डिफाइन होना चाहिए, एक तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। प्लस ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कुछ और बातें बताई गई हैं कि भाई सरकार ने बोला है कि ब्रॉदल को रन करना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ब्रॉदल को रन करना इलीगल है, सेक्स वर्कर करना अगर वॉलेंटरी तरीके से किया जा रहा है ये इलीगल नहीं है। ओके, तो अब ब्रॉदल के अंदर कौन वॉलेंटरी तरीके से है, कौन वॉलेंटरी तरीके से नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता कर पाओगे ना भाई। प्लस अगर वहाँ पे जब आप गए ब्रॉदल में रेड मारने, वहाँ पे कोई माइनर बच्चा मिल गया जो कि एक सेक्स वर्कर का बेटा है या बेटी है, तो ऐसे केसेस में इमॉरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के हिसाब से और कुछ और नियम कानूनों के हिसाब से इस पर्टिकुलर बच्चे को रिफॉर्म हाउसेज में भेजना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आप माँ से उस बच्चे को अलग नहीं कर सकते,
तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ चेंजेस यहाँ पे करने चाहिए, ताकि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी फुलफिल हो, ओवरऑल वो बच्चा अपनी माँ से भी अलग ना हो, और बच्चा अगर मान लो किसी प्रोटेक्टिव होम में जा रहा है, किसी रिफॉर्मेशन होम में जा रहा है, तो वहाँ खुश रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, एक और रिकमेंडेशन यहाँ पे दी गई कि जब भी सेक्स वर्कर के हित के रिस्पेक्ट में बातचीत होती है, तो जो सेक्स वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ग्राउंड लेवल पे, उनके साथ यहाँ पे बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग एक्चुअली में सेक्स वर्कर्स की प्रॉब्लम को समझते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखिए बताई जा रही, एज अ सोसाइटी ये बात सच है कि हम प्रोस्टिट्यूशन को कंटेन नहीं कर पाए, और आगे कंटेन कर पाएंगे इसके चांसेस बहुत कम है। तो प्रोस्टिट्यूशन के अंदर जो इलीगल चीज़ें चल रही हैं, जो ज़बरदस्ती वाला एलिमेंट चल रहा है, सरकार उसको कम करे, उसके लिए एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, सेक्स वर्कर्स को उनके लीगल राइट्स के बारे में बताना ज़रूरी है, पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अकाउंटेबल करना ज़रूरी है। ये सब बातें यहाँ पे लिखी हैं आर के विज साहब ने, फॉर्मल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं ये छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है भाई, अच्छा आर्टिकल था तो डिस्कस किया आपके साथ। अगला आर्टिकल, द नीड फॉर डिजिटल कोलैबोरेशन, व्हाइल ऑनलाइन एजुकेशन इज इनकरेज्ड इन इंडिया, यूजीसी रेगुलेशंस डिडंट अलाउ टाई अप्स विद फॉरेन इंस्टीट्यूट्स। देखिए भाई, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की बात की जाए, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इंडिया की लोकल यूनिवर्सिटीज़ को ये आज़ादी दी कि ठीक है भाई, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके आप ड्यूअल डिग्रीज चला सकते हो, जॉइंट डिग्रीज चला सकते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकते हो, मतलब ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल कुछ ऑटोनॉमी दी गई है इन यूनिवर्सिटीज़ को कि हाँ भाई आप फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर अपना प्लान वगैरह चला सकते हो। उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि कोई इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर फॉरेन की यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोई डिग्री चलाना चाहता है, तो नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा 4 पॉइंट स्केल के ऊपर उसको कम से कम 3 की रेटिंग मिली हो, या फिर टाइम्स हायर एजुकेशन या फिर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में टॉप 1000 में उसका नाम हो, या इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप 100 में उसका नाम हो, और जिस फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है उसका भी टॉप 1000 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में नाम होना चाहिए। तो इन कुछ कंडीशंस के हिसाब से इंडिया के अंदर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको फॉरेन के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट करने की परमिशन दी गई है। लेकिन ऑथर यहाँ पे सवाल उठा रहा है कि ठीक है भाई, आप ज्वाइंट डिग्री कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो, डॉल डिग्री प्रोग्राम चला रहे हो, लेकिन पैंडमिक के होने के बावजूद जब पूरी दुनिया में ऑनलाइन एजुकेशन की बात चल रही है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की बात चल रही है, तो ऑनलाइन लर्निंग के रिस्पेक्ट में, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में UGC ने अब तक रेगुलेशंस क्यों नहीं रिलीज किए हैं, इसके ऊपर सवाल यहाँ पे क्वेश्चन उठा, मतलब ऑथर यहाँ पे क्वेश्चन उठा। ऑथर का बोलना है कि ठीक है भाई, आप बाकी तरीके से इन इंस्टीट्यूट्स को अलाउ कर रहे हो कि ठीक है भाई ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम चला लो ऑफलाइन मोड में, बट ऑनलाइन मोड में क्यों नहीं, ऑनलाइन मोड को अब तक आप क्यों नहीं रेगुलेट कर रहे हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब ओवरऑल बात की जाएगी पूरे आर्टिकल में। अगर आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऑलरेडी सजेस्ट कर चुकी है कि भाई ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाइए, ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम चलाइए। तो जो रिमोट इलाकों में, दूर दराज गाँव बिहड़ इलाकों में जो लोग रहते हैं, वो इस ऑनलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू एजुकेशन का एक्सेस पा सकते हैं, और ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है ये सस्ते पड़ेंगे, तो लोगों के ऊपर फाइनेंशियली पर्सनली भी ज़्यादा बोझ आएगा नहीं, और प्रोफेशनली भी वो थोड़ा बहुत तो एक्सेल कर सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन प्रोग्राम के साथ आप ऑनलाइन प्रोग्राम को कंपेयर नहीं कर सकते। ऑफलाइन प्रोग्राम में आप जाके क्लास में बैठ के लेक्चर्स लेते हो, आसपास के अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन मोड में एग्जाम देते हो तो आपकी स्किल्स का भी प्रॉपर चेकिंग होती है वहाँ पे, ठीक है ना, फिजिकल लेबोरेटरीज में जाके एक्सपेरिमेंट करते हो, ये सब चीज़ें ऑनलाइन में नहीं हो सकता। लेकिन ऑनलाइन मोड में कुछ तो होगा, कम से कम जीरो से तो बेटर होगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ है, वो भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने कैरियर प्रोस्पेक्ट्स को कुछ हद तक शार्पन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन चल नहीं रही, अगर आप देखो तो जो डिस्टेंस एजुकेशन है, अच्छा ऑनलाइन और डिस्टेंस दोनों में फ़र्क होता है। जैसे कई बार डिस्टेंस एजुकेशन में आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हो, डिस्टेंस से आपको किताब वगैरह भेज दिया जाता है और समय समय पर आपको एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए आना पड़ता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेवल पे यूनिवर्सिटी में जो इनरोलमेंट हुए हैं उसमें से कितने परसेंट डिस्टेंस इनरोलमेंट में हुए, तो डिस्टेंस इनरोलमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट पे 13.8%, अंडर ग्रेजुएट में 35.9%, पीजी डिप्लोमा में 1.1%, डिप्लोमा में 1.5%, और सर्टिफिकेट लेवल पे 0.4%, ये बताया आयशे ने, मतलब ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 में। पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन में 11.1% इनरोलमेंट डिस्टेंस इनरोलमेंट है, और इन डिस्टेंस इनरोलमेंट में ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी, मतलब हर डिस्टेंस इनरोलमेंट में ऑनलाइन क्लासेस चले ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ। ठीक है, अब आगे
इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स ऑलरेडी चलाए गए, जैसे कि MOOC प्लेटफॉर्म, स्वयं प्लेटफॉर्म, स्वयं के बारे में तो UPSC प्रीलिम्स में सवाल भी पूछा गया, NPTEL के कोर्सेज अक्सर कर आपको देखने को मिलते रहते हैं, ये सब UGC डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं, ठीक है ना। सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस रूसा और TEQIP3 प्रोग्राम्स के अंदर ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। यूनियन बजट ऑलरेडी बोल चुका है एक डिजिटल यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर बनाई जाएगी, तो मतलब नो डाउट हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉरेन के साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर ऑनलाइन कोर्सेज क्यों नहीं चला रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज क्यों नहीं चला रहे हैं, UGC इस पर्टिकुलर फैसेट की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है, इसके ऊपर आश्चर्य व्यक्त कर रहा है यहाँ पे ऑथर। आयशी के फाइंडिंग्स के हिसाब से लगभग 49,348 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 168 कंट्रीज के इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। जो हाईएस्ट शेयर है फॉरेन स्टूडेंट्स का 45.6%, ये चार नेबरिंग कंट्रीज से आता है, एक है नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। तो इन नेबरिंग कंट्रीज के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ बातचीत करके हम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्यों नहीं चला सकते, इस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से अच्छा खासा फायदा मिलेगा इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ जिनको बहुत हद तक पैसा केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों की तरफ से जाता है, वो इस मोडस के थ्रू, मोडस ऑपरेंडी के थ्रू, इस स्टेप के थ्रू पैसा कमा सकती हैं। देखा जाए तो इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट दी है केंद्र की सरकार ने 9,420 करोड़ की, पिछले साल दी थी 7,643 करोड़ की। IIT's की ग्रांट भी लगभग 658 करोड़ से बढ़ी है, IIM की ग्रांट भी लगभग 178 करोड़ रुपए से बढ़ी है। तो ग्रांट्स बढ़ रही हैं यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की। अब केंद्र की सरकार जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को फंड करती है उनके पास तो पैसा पहुंच जाता है, लेकिन राज्य की सरकार जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फंड करती है उनके पास उतना पैसा नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आयशे की रैंकिंग में और जो बाकी रैंकिंग्स होती हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें राज्य की सरकार वाले जो स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अगर इन इंस्टीट्यूट्स को फॉरेन कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए पुश दिया जाए UGC के द्वारा, तो ये उसके थ्रू पैसा कमा के अपने ओवरऑल रैंकिंग, डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सुधार सकते हैं। मतलब फॉरेन कोलैबोरेशन को लेके जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इंडिया के हैं वो फॉरेन के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ कॉपरेट कर पाएँ, इसके लिए UGC को प्रॉपर रेगुलेशन निकालना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व होकर HEIs की मदद करनी चाहिए, ताकि बाहर के लोगों के लिए हम इंडिया के अंदर ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम चला पाए। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। फिर अगला है पॉलिटिक्स ओवर द प्रिंटेड वर्ड, टेक्स्ट बुक रिविजन इज द लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल मैनूवर्स अफेक्टिंग स्टूडेंट्स। कर्नाटका के अंदर टेक्स्ट बुक के रिवीजन को लेकर बातचीत चल रही है। क्या क्या है? तो कर्नाटका के अंदर जो किताबें हैं उनमें RSS के फाउंडर KB हेगेवार की एक स्पीच को जोड़ा गया, फिर ओवरऑल कन्नड़ लिटरेचर के कुछ प्रोग्रेसिव जो स्ट्रीम वाले जो टॉपिक्स हैं इनको कट डाउन किया है, ओवरऑल कुछ ऐसा टॉपिक जो कि ब्राह्मणिकल कह लो ऑर्थोडॉक्सी को अपोज करता था, और यू नो ओवरऑल कास्ट के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें थी उसको कोर्स करिकुलम से हटाया गया। तो इस बात को लेके कुछ स्टूडेंट और दलित ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटका के अंदर नाराज हैं। उनका ये बोलना है कर्नाटका की सरकार ब्रह्मनाइजेशन कर रही है करिकुलम का। कर्नाटका की सरकार बोल रही भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली यू न्यूज़ भी निकल के आई थी कि 10 राइटर्स का जो वर्क था, मतलब जो लिटरेरी वर्क था, उस लिटरेरी वर्क से थोड़ा थोड़ा आप कह लो फैक्टर्स उठा के कर्नाटका की किताबों में लिखे गए। तो ये 10 राइटर्स ने बोला है कि भाई हम अपने लिटरेरी वर्क की परमिशन नहीं दे रहे आपको किताबों में यूज़ करने के लिए। सरकार ने बोला कि भाई अब तो किताबें छप भी चुकी हैं, आधे किताबें तो बढ़ भी चुकी हैं, तो अब हम कैसे किताबों को पुशबैक कर लें। लेकिन ओवरऑल किताबों के रिस्पेक्ट में सरकार का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ जब कुछ पॉलिटिकली डोमिनेंट सेक्ट सामने आए। वैसे देखा जाए तो जो किताबों में बदलाव हुए थे कास्ट को लेकर, ब्राह्मणिज्म को लेकर, पढ़ाई के करिकुलम को लेकर, इसको पहले अपोज किया जा रहा था। सरकार बोल रही थी कि अपोज करो ठीक है, लेकिन अब हम इसको बैक ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन जब अपोजिशन आया वीर शैवा लिंगायत सेक्ट की तरफ से, वोकालिका कास्ट की तरफ से, तब भाई सरकार ने अपना हार्ड स्टांस को थोड़ा कमज़ोर किया। सरकार ने बोला कि ठीक है भाई हम देखेंगे यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस हद तक किताबों को बदल सकते हैं, ओवरऑल किस हद तक लोगों के व्यू पॉइंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। एक्चुअली में बसवेश्वरा को लेके भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स उठाए गए इस नए किताब के टेक्स्ट बुक यू नो अमेंडमेंट में। इसके बारे में मैंने कल के या परसों के करंट अफेयर्स में भी आपको बताया था। बसवेश्वरा एक सोशल रिफॉर्मर थे 12th सेंचुरी कर्नाटका में। ब्राह्मणिकल ऑर्डर की ऑर्थोडॉक्सी की उन्होंने चैलेंज किया। अब जिस प्रकार से उन्होंने ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया वो वाले पार्ट्स ऐसा बताए जा रहे हैं कि टेक्स्ट बुक से हटा दिए गए, तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं नाराजगी है। फिर ऐसा कहा जा रहा है कि जो टेक्स्ट बुक रिवीजन कमेटी बनी थी इसके हेड थे रोहित चक्रतीर्थ साहब, और रोहित चक्रतीर्थ साहब ने कन्नड़ के जो लिटरेरी आइकम है कुवेम्पू साहब, इनके अगेंस्ट कुछ बात बोल दी थी, ठीक है ना।
और कोवेम्पु साहब ने जो नाद गीत लिखा है स्टेट एंथम, इसके रिस्पेक्ट में कुछ आप कह सकते हो कि गलत स्टेटमेंट इशू किए थे किसने, रोहित चक्रतीर्थ साहब ने, तो रोहित चक्रतीर्थ साहब को भी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। तो जब पॉलिटिकली डोमिनेंट सेक्शंस वोकालिगास की तरफ से, वीर शैवा लिंगायत सेट की तरफ से अपोजिशन आया, तब चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई साहब ने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश से बोला कि भाई जो भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उस ऑब्जेक्शन की एक रिपोर्ट हमें बना के दो, अगर हमको सच में ऐसा लगता है कि हाँ भाई कहीं से सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो हम चीज़ों में बदलाव लेके आएंगे। लेकिन हेजेवार की स्पीच को यहाँ पे ड्रॉप नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटीज़ के जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको सुना हार जा रहा है, और जो कास्ट और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बोल रहे हैं उनको नहीं सुना जा रहा है। ओवरऑल ऐसा कुछ यहाँ पे कर्नाटक में निकल के आ रहा है। मतलब जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट पर्सन है जैसे वीर शैवा लिंगायत सेक्ट और वोकालिगा सेक्ट, इनकी बात सुनी जा रही है, बट बाकी प्लेयर्स की बात नहीं सुनी जा रही टेक्स्ट बुक रिविजन को लेकर, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं, अच्छा एक और बात बता दूं, टेक्स्ट बुक रिवीजन का एक और फैसेट है, जब शुरुआत में ये टेक्स्ट बुक बनाई गई थी ना तो उस समय पे कर्नाटका ब्राह्मण महासभा ने ऑब्जेक्शन दिया था कि ओवरऑल इन टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो कि ब्राह्मणिकल सेंटीमेंट्स को हर्ट करते हैं, उन टेक्स्ट को अभी टेक्स्ट बुक रिवीजन में से हटा दिया गया। लेकिन जिस हिसाब से हटाया गया उससे ऐसा लगता है कि ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे कर्नाटका में लोगों का बोलना है। अब कर्नाटका में इस प्रकार के ऑब्जेक्शंस देखिए आने नहीं चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए, एक तो पैंडेमिक के चलते वैसे पढ़ाई लिखाई हिली हुई है, ऊपर से हिजाब रो के चलते स्कूल कॉलेजेस न्यूज़ में आ रखे हैं, अब ऊपर से टेक्स्ट बुक रिवीजन, तो चीज़ें सॉर्ट आउट होती कम नज़र आ रही हैं और नई चीज़ें प्रॉपअप होती ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ये यहाँ पर कर्नाटका की पॉलिटिक्स में एक चीज़ निकल के आ रही है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डिलेड रिस्पॉन्स ऑन गवर्नमेंट स्टंट्स एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच। तो ये बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है, अभी रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी ने जो दो उनके स्पोक्स पर्सन थे, एक जिंदल एक नुपुर शर्मा, इनको पार्टी से निकाल दिया। इनका बोलना है कि भाई टॉलरेंस और रिस्पेक्ट को फॉलो करती है बीजेपी पार्टी, उसके साथ साथ जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो भी। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के अगेंस्ट जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए थे दोनों स्पोक्स पर्सन के द्वारा, इनको डिसोन किया गया है, कंडेम किया गया है, फ्रिंज एलिमेंट से इनको बताया गया, FIR वगैरह भी हो रखी है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि सरकार ने यहाँ पे स्टेप लेने में देर कर दी। पहली बात तो सरकार ने रिएक्ट करने में देर लगाया, कब, पहली बार जब स्टेटमेंट्स लिए गए तो उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ, एक हफ्ते तक सरकार ने कुछ नहीं कहा। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि सरकार ने तब बोला जब कतर और कुवैत की सरकार इन्वॉल्व हुई, जब फॉरेन प्रेशर आया, उस फॉरेन प्रेशर के बाद यहाँ पे ओवरऑल पॉलिटिकल कंपंशन नज़र आया सरकार को और तब उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए, उससे पहले स्टेप्स नहीं लिए गए थे। ये गल्फ कंट्रीज इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इसके रिस्पेक्ट में भी शाम तक मैं एक PPT बना रहा हूँ, आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। एक और शायद वजह यह रही होगी कि वेंकैया नायडू साहब अपना तीन नेशन का ट्रिप कतर से शुरुआत कर रहे हैं, कतर ही यहाँ पे ओवरऑल क्रिटिसाइज़ कर रहा था भारतीय स्टैंड को, और इकोनॉमिकली भी कतर से अच्छे रिश्ते हैं, गल्फ में कतर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो ओवरऑल इंडिया कतर और गल्फ कंट्रीज से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए ओवरऑल इंडिया यहाँ पे थोड़ा बैक ट्रैक कर गया। भारतीय सरकार ने फॉरन प्रेशर के चलते यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को डिसोन किया, ऐसा ये ऑथर कहने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, रिसेंटली US की सरकार ने भी रिलीजियस फ्रीडम को लेकर इंडिया के अंदर एक रिपोर्ट निकाली थी इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो उसको भी इंडिया ने स्लैम किया था, अभी वही जस्ट वही उसी रिपोर्ट की आप कह लो इंडिया ने निंदा की थी, तो इस कंटेक्स्ट में वो रिपोर्ट इंडिया को और ना ह्यूमिलिएट कर दे, इसलिए भी सरकार ने यहाँ पे इन दो फंक्शनरीज के अगेंस्ट एक्शन लिया है। फिर जो हमारी एम्बेसीज हैं दोहा और कुवैत ने, उन्होंने बोला है कि भाई हम सारे रिलीजन्स को इज्जत देते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशनल हेरिटेज हैं, स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशंस को मानते हैं, अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। मतलब कुल मिला के सरकार का रिस्पॉन्स आया, ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, पर थोड़ा देर से आया, अगर ये पहले ही आ जाता तो ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रोवर्सी बनती ही नहीं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और फाइनली नदाक एंड स्वातिक, देखिए क्या हुआ है कि रोलैंड गैरोस पे नदाल की एक बहुत बड़ी इमेज लगाई गई है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 14वां फ्रेंच ओपन यहाँ पे जीत लिया किसने, फ्रेंच नदाल ने, 36 साल के हैं और इनका 22वां ग्रैंड स्लैम है। रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच और राफेल नदाल, इन तीनों में कंपटीशन चलता रहता है, कोई ना कोई एक ना एक जीत के दूसरे से आगे निकल जाता है। अब तक देखा जाए तो पीट सैम्प्रास ने पहले 14 ग्रैंड स्लैम जीते थे, और 14 ग्रैंड स्लैम जीतने अपने आप में बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन ओवरऑल 14 तो अकेले फ्रेंच ओपन ही जीत गए राफेल नदाल, समझ गए, 18 रोलैंड गैरोस में पार्टिसिपेट किया है राफेल नदाल ने, 14 उसमें से जीते हैं, और ये वाला जो 14वां जीता ये तो अपने आप में बड़ी बात थी। एक तो क्ले कोर्ट का जीनियस बोला जाता है किसको, राफेल नदाल को, ओके।
क्ले कोर्ट में रफेल नदाल को हरा पाना अपने आप में बहुत मुश्किल, लेकिन इस बार क्या था कि क्रॉनिक लेफ्ट फुट इंजरी थी रफेल नदाल को। ऑलरेडी इससे पहले जो रोम मास्टर इवेंट था उसमें से पहले विड्रॉ करना पड़ा था रफेल नदाल को। पेरिस में पहुंचे थे, पेन किलिंग इंजेक्शंस ले रहे थे। तो ऐसे समय पर रफेल नदाल के लिए ये गेम जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो 14वां ट्रायंफ किया है रफेल नदाल ने, एकदम से जैसे फ्रेंच ओपन का टूर्नामेंट शुरू किया ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, सबको यहाँ पे हरा दिया। और आप कह लो कि इस साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता रफेल नदाल ने और फ्रेंच ओपन भी जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने की तो एक वजह ये भी बताई जा रही थी कि नोवाक जोकोविच खेल नहीं पाए थे ओवरऑल वैक्सीनेशन को लेके, तो रफेल नदाल वहाँ पे जीत गए। और यहाँ पे फ्रेंच ओपन में रफेल, हालांकि फ्रेंच ओपन के शायद क्वार्टर फाइनल में रफेल नदाल ने नोवाक जोकोविच को हराया है। क्ले कोर्ट में एक्चुअली में रफेल नदाल को हरा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसा कहा जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में रफेल नदाल की यहाँ पे काफ़ी तारीफ की जा रही है कि भाई टॉप 10 प्लेयर्स में अगर आप क्ले कोर्ट की बात करो तो ज़बरदस्त खतरनाक खिलाड़ी हैं, क्ले कोर्ट पे बहुत अच्छा खेलते हैं वगैरह वगैरह, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। तो टेनिस के लवर्स के लिए ये आर्टिकल रेलेवेंट है और थोड़ा बहुत आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सा मैच जीत रहा है, कौन कौन सा मैच नहीं जीत रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बहुत क्रिस्प रखने की कोशिश करता हूँ एडिटोरियल को, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा रखने की कोशिश नहीं करता हूँ ताकि जल्दी चीज़ें खत्म हो जाए, आपका करंट अफेयर्स जल्दी खत्म हो जाए और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आपको जितना ज़्यादा हो जाए मिल जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों चीज़ों का लिंक चीज़ें हो। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, ध्यान रखिए।